तो दोस्तों अगर आप पबजी खेलते हो, पबजी या फिर आप प्लेयर अननोन बैटल ग्राउंड ऐसे कुछ भी खेलो, तो वहाँ आपसे बहुत सारे प्लेयर्स पूछते हैं आपका पिंग क्या है, तेरा पिंग क्या है। हम भी दोस्तों से पूछते हैं अगर हम दोस्तों के साथ खेलते हैं, क्या रहे तेरा पिंग कितना है। तो दोस्तों यहाँ ये पिंग क्या है, यहाँ हमें तो इतना बस पता था इंटरनेट की स्पीड होती है कुछ MBPS वगैरह या फिर KBPS या फिर GBPS तक, पर दोस्तों यहाँ पिंग क्या है। तो देखिए यहाँ पिंग का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है, तो दोस्तों आपको बस इतना ही पता होगा, बस एग्जाम्स होते। तो दोस्तों देखिए यहाँ अगर आप देखते हो तो जो कि हम गेम खेलते जो कि है काउंटर स्ट्राइक ग्लोबल ऑफेंस, तो दोस्तों यहाँ वो ग्लोबल लेवल पे एक मैच होता है, मीन्स काफी सारे CS:GO के मैच होते हैं, वहाँ प्लेयर्स को बुलाया जाता है, इनवाइट किया जाता है और जो कि जीत जाते हैं उन्हें पैसे वगैरह दिए जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ जो कि पिंग है ये काफी मैटर करता है। तो दोस्तों अगर समझिए अगर आपको किसी को शूट करते हो राइट, तो दोस्तों यहाँ अगर उसका पिंग कम रहेगा तभी तो उसका वो कैरेक्टर आपको वहीं दिखाएगा, जब उसका कनेक्शन सर्वर तक जाएगा तभी आपको लगेगा अरे मैंने तो उसे मारा था उसे लगी नहीं। तो दोस्तों यहाँ इसके बारे में थोड़ा बात कर दे कि वो वैसे क्यों होता है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पिंग क्या होता है, तो दोस्तों आपको अगर पता होगा अगर आप ऑनलाइन गेम खेलते हो, बेसिकली पबजी तो सभी खेलते होंगे, तो यहाँ अगर आप खेलते हो तो आपको पता होगा कि कभी कभी गेम लैग होता है। लैग होने के अलग अलग सिनेरियो होते हैं कि इंटरनेट कम मिल रहा है या फिर इंटरनेट की स्पीड कम है या फिर पिंग ज़्यादा है। तो दोस्तों मैं मेरे फ्रेंड के घर गया था तो वहाँ पिंग 900 वगैरह आ रही थी, मेरे घर पे तो 60-40 ms ही आती है। तो दोस्तों यहाँ ms होता है मिली सेकेंड। तो दोस्तों देखिए यहाँ हम खेलते हैं ऑनलाइन राइट, तो बीच में सभी प्लेयर के बीच में सर्वर रहता है जहाँ सभी प्लेयर गैदर होते हैं राइट। तो दोस्तों यहाँ सारे बहुत सारे रूम्स होते हैं जो कि मीन्स 100-100 प्लेयर्स, अगर आपने पबजी खेला होगा तो 100-100 प्लेयर के कंपार्टमेंट्स रहते हैं यहाँ। जो कि आपका गेम है ये बेसिकली फुल्ली ऑनलाइन स्टफ है, अगर आपकी पिंग अगर आपको ऑनलाइन कनेक्शन ठीक से नहीं मिलेगा तो आपको पिंग कम मिलेगा, अगर पिंग कम मिलेगा तो आपको लैग ज्यादा देखने को मिलेगा। हम बात कर रहे थे कि काफी सारे गेम जैसे कि CS:GO या फिर काउंटर स्ट्राइक वगैरह इनके ग्लोबली लेवल होते हैं या फिर ग्लोबली हम कह सकते हैं कि मैचेस होते हैं, तो वहां तो 1 मिली सेकेंड या फिर 4 मिली सेकेंड का पिंग भी काफी होता है, मीन्स काफी तो नहीं काफी ज्यादा होता है, क्योंकि वो तो फुल प्रो प्लेयर रहते हैं, हम तो बेसिकली प्रो प्लेयर है नहीं। अगर आप में से कोई प्रो प्लेयर है तो नीचे कमेंट में जरूर बता देना। तो दोस्तों यहाँ हम तो प्रो प्लेयर है नहीं इसलिए हमें ज्यादा इतना लगता नहीं है, पर जो कि पिंग है ये अगर कम हुआ तो उतना ही अच्छा रहता है, अगर आपको आपका पिंग ज्यादा हुआ तो वो आपके लिए अच्छा नहीं है। और बेसिकली जैसे पिंग बढ़ता है वैसे आपकी इंटरनेट की स्पीड कम हो जाती है। और यहाँ हम बात कर रहे थे पिंग के बारे में, तो यहाँ जो कि पिंग है ये बेसिकली एक डाटा ट्रांसफर रेट रहता है, मीन्स आप समझिए आप किसी घर में गए तो अगर वहाँ 100 प्लेयर थे, अगर हम पबजी का एग्जाम्पल लेते हैं, आप उतरे बाद में किसी घर पे गए राइट, तो उसके आसपास आपके आसपास 100 प्लेयर्स हैं मीन्स पूरे मैप में, तो वो कहीं भी उतर जाए, पर जब भी आपके नजदीक कोई आता है तो फुटस्टेप्स आते राइट। अगर आपका पिंग काफी ज्यादा हुआ, इंटरनेट कनेक्शन ठीक नहीं हुआ, तो फुटस्टेप्स नहीं आएंगे, वो आपके बाजू में आके आपको किल करके जाएगा, तो उसमें क्या मीन्स मजा तो आएगा नहीं। तो इसलिए यहाँ जितना पिंग कम रहेगा उतना अच्छा रहता है, पर बेसिकली अगर हमारा पिंग 4 ms रहता है तो पबजी काफी अच्छा चलता है। अगर 60 ms तक अच्छा होता है मीन्स अगर 400 वगैरह ms है तो आपको थोड़ा सा लैग वगैरह देखने को मिल जाता है गेम में, पर ओवरऑल ज्यादातर इतना लैग नहीं देखने को मिलता। अगर आपका पिंग जाता है 800 या 700 से ऊपर तो ये काफी एक ज्यादा पिंग है, ये हम एक्सेप्ट तो नहीं कर सकते, पर अगर आपका ये इतना पिंग आ रहा है, अगर आप वाईफाई पे खेलते हो तो आपके प्रोवाइडर को कॉन्टेक्ट करो, मीन्स वो आके चेक करके जाएगा, बाद में पिंग कम हो जाएगा। पर बेसिकली अगर आपका पिंग तो भी कम आ रहा है तो राउटर के नजदीक बैठो, तो मीन्स आपको पता होगा कि हमारे यहाँ काफी राउटर्स रहते हैं, काफी वाईफाई रहते हैं, तो उसकी वजह से डिस्टर्बेंस की वजह से पिंग कम हो जाता है, इसलिए अगर आप वाईफाई के नजदीक बैठ दो तो वो इजीली रेंज कैच कर सकता है और आपका पिंग काफी अच्छा आ सकता है। तो दोस्तों ये पिंग के बारे में कुछ एक नॉलेज था जो कि ज्यादातर लोग जानते हैं नहीं। तो दोस्तों यहाँ और एक पिंग का जो पिंग के रिलेटेड टॉपिक है जो कि हम कहते हैं मिली सेकेंड्स, क्या मिली सेकेंड्स क्यों, यहाँ हम तो ज्यादातर सेकेंड्स में बात करते हैं, पर दोस्तों देखिए आप सोचिए अगर आप किसी को मार रहे हो और डेटा 1 सेकेंड में जा रहा है, वो 1 सेकेंड में इधर से इधर जा सकता है, ऑफ कोर्स जा सकता है,
तो आपको बुलेट या फिर आपको एम करने में कितनी प्रॉब्लम होगी। तो दोस्तों यहाँ 64 मिली सेकेंड ये एक काफी स्टेबल रेट माना जाता है, पर अगर आपका पिंग 4 ms वगैरह है तो आप एकदम फ्लुएंटली खेल सकते हो या फिर एकदम इजीली आप किसी को भी एम कर सकते हो या फिर स्पॉट कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ ms ही क्यों आता है, क्योंकि यहाँ मिली सेकेंड्स में बात हो रही है, सेकेंड्स में नहीं हो रही, मिली सेकेंड्स। ms का फुल फॉर्म मिली सेकेंड्स है वहाँ, और जो कि पिंग है यहाँ जितनी कम होगी उतनी ही ज्यादा अच्छी होगी। दोस्तों पिंग एक डेटा ट्रांसफर रेट है सर्वर और आपके मोबाइल के बीच। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए अगर आपको कोई सुझाव। सो कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, फिलहाल के लिए बाय। Thank you.